सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की कार्य पद्धति में सुधार की कवायद तेज होने लगी। लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में देहरादून आरटीओ में छापेमारी कर आरटीओ को निलंबित कर दिया, जिसके बाद शासन से लेकर प्रदेश के हर सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस कर्मियों के तय समय में कार्यालय में पहुंचने को लेकर उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस के तमाम अधिकारियों को पहले से ही निर्देशित किया गया है कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आपको पुलिस मुख्यालय में अनिवार्य रूप से मौजूद रहना है। इसके साथ ही जिले में एसएसपी कार्यालयों में भी सुबह 10 बजे से 5 बजे तक अगर कोई आपातकालीन स्थिति नहीं होती है तो पुलिस कप्तानों को बैठना होगा। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमने पुलिस मुख्यालय में भी सभी को निर्देशित किया, जितने अधिकारी हैं जितना स्टाफ है, कि सभी को 10 से 6 बजे तक रहना मैंडेटरी है। यद्यपि मुख्यालय आपको बताइए देर रात तक काम करता है, 7, 7:30, 8 भी बज जाता है, किंतु 10 से 6 हमने मैंडेटरी किया हुआ है, लंच टाइम को छोड़ कर के मैंडेटरीली 10 से 6 रहेंगे। जनपदों का अगर हाल देखें सर, ठीक है लॉ ऑर्डर होती है, बाहर भी जाना होता है, लेकिन जनता की जो फरियाद है उसको भी बहुत सुनना जरूरी है, उनको किस तरह से? जनपदों का भी सिंपल है, जो पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है जिसको एसपी ऑफिस एसएसपी ऑफिस कहते हैं, वो 10 से 5 खुलता ही खुलता है, खुलना ही है, और उसमें सभी अधिकारी अनलेस की वो फील्ड ड्यूटी पर हों उनको वहाँ पर मौजूद रहना मैंडेटरी है। उसके बाद सामान्यतः आपने देखा होगा एसपी जो अपने कैंप ऑफिस में वगैरह में रहते हैं, किंतु 10 से 5 तो मैंडेटरी है ही है, उसको रहना है पुलिस कार्यालय। सर अगर जो समय पर अधिकारी अपने दफ्तरों में नहीं पहुंचते हैं तो उसको किस तरह से आप देखते हैं?